वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑटोकैड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लाइन कमांड देख ली थी। लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एल एंटर करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और क्या हमने देख लिया था, इरेज कमांड देख ली थी कि इरेज कमांड हम किस तरीके से चलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आज अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे कुछ और कमांड्स हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो लाइन कमांड हमने क्या देखी थी, एल एंटर। लाइन किससे ड्रॉ करते हैं, एल एंड एंटर, ठीक है। लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्थो ऑन ऑफ के लिए क्या था फंक्शन हमारा, इफेक्ट था। तो ऑर्थो ऑन ऑफ के लिए इफेक्ट, तो ये ऑर्थो इससे क्या हो जाता है, ऑफ हो गया। और अगर ऑन हम करना चाहें तो वापस से इफेक्ट दबाएंगे, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो हमारा वापस से ऑन हो गया, ठीक है। और लाइन कमांड से हटने के लिए हम क्या दबाते हैं, एस्केप दबाते हैं। तो ये एस्केप दबाया तो हम लाइन कमांड से बाहर आ गए, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि मुझे जो है ये जो मेरी लाइन है, ये ट्रेंगल की ये वाली लाइन है, इसके सेंटर पॉइंट से मुझे इस वाली लाइन का सेंटर पॉइंट ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन से मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या मैं करूँगा, एल एंटर, ठीक है। अब बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स जो भी हमारा हम करते रहेंगे ना, वो सारी डिटेल्स आपको ये यहाँ पे कंप्यूटर के लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे की साइड में ये जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें वो लिखता रहेगा। जैसे कि क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। और अगर यहाँ भी हम कर्सर हमारा जो है वहाँ पे हम देखें, तो भी हमको ये लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मान लीजिए इसके सेंटर लाइन पे मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसका सेंटर लाइन में कैसे पता करूँगा, अभी तो ये इस तरीके से मुझे सेंटर लाइन नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जो है कुछ ऑन करना पड़ेगा। क्या ऑन करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट जो है ऑन करने के लिए हमें क्या, कौन सी कमांड है, उसके लिए कमांड है ओ स्नैप, ठीक है। तो ओ एस एन ए पी लगा के एंटर, ठीक है। तो ये हमारी खुल गई ऑब्जेक्ट स्नैप, उसकी कमांड कौन सी है, ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ये जो है एंड पॉइंट ऑलरेडी और सेंटर पॉइंट ये क्या है, ऑलरेडी टिक है। तो इस वजह से हम जब यहाँ पे लेके जा रहे थे ना, तब हमें बता रहा था वो सेंटर पॉइंट। देखिए, यहाँ पे अगर हम जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें वो सेंटर पॉइंट ऑलरेडी हमें यहाँ पे ये बता रहा था, ये एंड पॉइंट ऑलरेडी हमें ये बता रहा था कि आपको यहाँ से ड्रॉ करना है क्या। लेकिन उसमें जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वहाँ पे बंद है। तो उसको हम वहाँ से क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप, OSNAP, ये आप सारी चीज़ें नोटबुक में नोट करते रहना, अदरवाइज सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। ओ स्नैप करके अब मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट को भी ऑन कर देता हूँ। चाहूँ तो ये दूसरी चीज़ों को भी मैं ऑन कर सकता हूँ, अभी मुझे नहीं ज़रूरत है, इसलिए सिर्फ मैंने मिड पॉइंट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में क्या करेंगे, ऑन करने के बाद में इसको ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से। तो अगेन कमांड क्या है मेरी, एल एंटर, एल एंटर दबाया, बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो अब ये देखो, ये सेंटर पॉइंट पे ये जो है ट्रायंगल का निशान आ गया, मतलब कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या है मेरा, ऑर्थो ऑन है। अगर इसको ऑफ करना है तो क्या करूँगा, फंक्शन के साथ में इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट को मैं इफेक्ट की दबा दूंगा। तो इफेक्ट मैं दबा देता हूँ, दिस इज द इफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्थो ऑफ हो गया। अब मुझे मान लो कि इसकी भी सेंटर से इसको ज्वाइन करना है, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये जो ट्रेंगल बना रहेगा वहाँ पे इसका सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये इन दोनों के सेंटर पॉइंट से ये हमारी लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा ऑब्जेक्ट स्नैप कहाँ से ऑन करते हैं, कहाँ से उसको ऑफ करते हैं, तो वो हमने सीखा। दूसरा और तरीका क्या है इसका, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में नीचे, ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे, तो ये ओ स्नैप करके आ रहा है। अगर ओ स्नैप पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये ओ स्नैप पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें अगर सेटिंग्स पे जाएंगे, तो भी वही वाला हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो अभी हमने देखा था। तो यहाँ से भी आप इसको बंद या चालू कर सकते हैं। ये जो मिड पॉइंट के लिए ये ट्रेंगल था, इसलिए वहाँ पे ट्रेंगल दिख रहा था, एंड पॉइंट के लिए इस तरीके का रेक्टेंगल दिखेगा। तो यहाँ से आप इसको बंद या चालू कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन कमांड, ठीक है। अगली चलो हम देख लेते हैं जूम कमांड। जूम कमांड के लिए अगर आप चाहें तो जेड एंटर से भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, हमारे माउस में ये जो ये वाली जो गोल घूमने वाली जो बटन रहती है, इससे जूम इन और जूम आउट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो आप माउस से ही यूज़ कर लेना जूम इन और जूम आउट। इसके बाद में एक जूम कमांड का मैं और आपको बताऊँगा, एक बाद में यूज़ बताऊँगा,
कि उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो बिना बिना इस वाली बटन का यूज़ ना होके हम जेड इंटर करके उसको चलाएंगे, जो कि बाद में मैं बताऊंगा, अभी उसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या हमने देख ली थी, इरेज कमांड भी देख ली थी। इरेज कमांड क्या थी, सिंपल ई एंटर करके वो बोलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारी क्या हो गई, इरेज हो गई। तो हमने अभी अब तक क्या देख ली, लाइन कमांड देख ली, इरेज कमांड देख ली, हमने ऑर्थो ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट स्नैप देख लिया, हमने ये जो बैकग्राउंड का जो स्क्रीन का कलर है वो कैसे चेंज होता है ये देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड देख, ऑफसेट कमांड। ठीक है, इस कमांड का यूज़ आपको सबसे ज़्यादा होगा हमारी ऑटोकैड में, उसका नाम क्या है, ऑफसेट कमांड। ठीक है, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, यदि कोई सा भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में कोई सी भी लाइन है, तो उससे यदि हमें पैरेलल जो है उसी वही ऑब्जेक्ट हमें बनाना है या वही लाइन हमें बनाना है तो हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे यूज़ करते हैं ऑफसेट कमांड के लिए, हम हमारी कमांड रहती है ओ एंटर। ठीक है, क्या रहती है, ओ एंड एंटर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने स्पेसिफाई कर दी 5। ठीक है, उसके बाद में क्या करा, मैंने एंटर करा। अब क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट फॉर, यानी कि आप वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए जिसका आपको ऑफसेट करना है। मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन सॉइड टू ऑफसेट फॉर, यानी कि आप कौन सी साइड में ऑफसेट लेना चाह रहे हैं, इस साइड में ऑफसेट लेना चाह रहे हैं या इस साइड में ऑफसेट। तो मान लीजिए मुझे इस साइड तरफ करना है तो मैं इस तरफ करके माउस पे मैं क्या करूँगा, ये वाला मेरा जो क्लिक है वो क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट बन गया। अब इस कमांड से मुझे बाहर निकलना है तो क्या करूँगा, मैं एस्केप दबा दूंगा। तो इस तरीके से हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑफसेट कमांड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ओ एंटर, एस्केप दबाया मैंने, ओ एंटर, तो ये मेरी ऑफसेट कमांड जो है वो हो गई। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की इतना मुझे डिस्टेंस लेना है ऑफसेट के लिए, तो यहाँ से यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया तो वो डिस्टेंस आ गई। अगला क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मान लीजिए कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का जो है लेना है, मुझे ऑफसेट बनाना है इस ऑब्जेक्ट का। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड, यानी कि साइड आप स्पेसिफाई करो, इस तरफ करना है आपको या इस तरफ करना है। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, इस तरफ क्लिक कर दिया, तो ये इसका ऑफसेट किस तरफ बन गया, इस तरफ बन गया। तो इस तरीके से ऑफसेट कमांड का हम यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे करा हमने, ओ एंटर दबाया, इसके बाद में अगर मान लो ये बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है, तो हम ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे जितने की भी हमें देना है। मान लीजिए कितने, 3 मीटर्स का हमें ऑफसेट देना है तो क्या करेंगे, 3.5 मीटर्स का देना है तो 3.5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हम एंटर दबाएंगे। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मुझे ऑफसेट देना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का देना है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब वो बोल रहा है कि साइड स्पेसिफाई करो, तो मैंने इस तरफ क्लिक कर दिया तो इस तरफ क्या बन गया, इसका ऑफसेट बन गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑफसेट कमांड। ऑफसेट के लिए सिंपल है, क्या है, ओ एंटर।